हाय गाइस, आज हम बनाने वाले हैं पिज़्ज़ा सॉस। ये पिज़्ज़ा सॉस की रेसिपी 30 मिनट के अंदर बन जाती है और 2 से 3 पिज़्ज़ा मीडियम साइज़ जो होता है उसके लिए काफ़ी है। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं इसे। यहाँ पे मैंने 4 मीडियम साइज़ के टोमेटोज़ लिए थे, उसका मैंने ऐसे पीस कर प्यूरे बना लिया है, पानी नहीं ऐड किया है। 15 से 20 यहाँ पर लहसुन मैंने इस तरह से काटे हैं। आधा प्याज है, उसे एकदम बारीक काटा है मैंने इस तरह से। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे 1 छोटी चम्मच चीनी ली है, नमक लिया है टेस्ट के लिए, रेड चिली फ्लेक्स लिया है यहाँ पे। नेक्स्ट लेंगे हम ओरिगानो फ्लेक्स, इटालियन सीजनिंग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। 1 बड़ी चम्मच मैंने टोमेटो केचप लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने एक पैन को मीडियम फ्लेम पे रखा है गरम होने के लिए। उसमें अब मैं 1 बड़ा चम्मच तेल का डालूंगी और उसे गरम होने दूंगी। तेल गरम होते ही मैं जो कटे हुए लहसुन थे वो डालूंगी। इसे आप सॉटे कर लीजिए, ज़्यादा इसे जलाना नहीं है, करीबन 30 सेकंड के लिए। नेक्स्ट मैं इसमें डालूंगी जो बारीक कटा हुआ प्याज था वो, इसे भी आप सॉटे कर लीजिए गोल्डन कलर के होने तक। ये हो जाने के बाद मैं इसमें डालूंगी ओरिगैनो फ्लेक्स 2 बड़ी चम्मच। नेक्स्ट इसमें जाएगा 2 बड़ी चम्मच रेड चिली फ्लेक्स। तो किसी भी इटालियन सॉस में ये दोनों चीज़ें जाती हैं। अब इसे आप मिक्स कीजिए, काफ़ी अच्छी खुशबू आती है इस टाइम पे। तो इन्हें थोड़ा ऐसे चला लीजिए। नेक्स्ट अभी इसमें टोमेटो प्यूरी डालना है हमें। मैंने बस टोमेटो को पीस के लिया है, पानी वानी कुछ नहीं डाला है, ब्लांच भी नहीं किया है, जस्ट आपको मिक्सर में डाल के पीस के लेना है। तो इसे अभी हमें पकाना है। गैस को मैं थोड़ा हाई पे रख रही हूँ और इसे कंटिन्यूस चलाते रहूँगी। करीबन 2 मिनट के बाद मैं इसमें डालूँगी 1 छोटी चम्मच चीनी की। चीनी से जो खटास होती है टोमेटो की वो बैलेंस आउट हो जाएगी। उसके बाद मैं 1 बड़ी चम्मच टोमेटो केचप डालूँगी। ये ऑप्शनल है, नहीं डाला तो भी चलेगा। इसे अभी आप मिक्स कीजिए। अभी इसको आपको तब तक पकाना है जब तक ये थोड़ा रिड्यूस नहीं होता। थोड़ा रिड्यूस हो जाने पर आपको इसमें नमक डालना है टेस्ट के हिसाब से और चलाते रहना है, कंटिन्यूस चलाते रहिए। पानी भी थोड़ा घट चुका है उसका और थोड़ा सॉस गाढ़ा हो गया है। अभी मैं फ्लेम को लो पे डालूंगी और इसे ढक कर रखूँगी 5 मिनट के लिए। 5 मिनट हो चुके हैं और पानी भी कम हो चुका है। तो ये देखिए पानी काफ़ी ज़्यादा कम हो गया है। अभी मैं फिर से गैस का जो फ्लेम है उसे हाई करूँगी और सॉस को हमारे और गाढ़ा करूँगी। तो इसे आपको तब तक चलाना है जब तक आपकी मनचाहे कंसिस्टेंसी ना आए। तो करीबन और 2 से 3 मिनट तक मैंने इसे चला लिया था। तो देखिए पानी अभी काफ़ी कम हो चुका है और इतना कंसिस्टेंसी मुझे सही लग रहा है सॉस का। तो बस 1 मिनट के बाद मैं गैस को बंद कर दूँगी। तो ये हमारा पिज़्ज़ा सॉस एकदम रेडी है, इतनी कंसिस्टेंसी ठीक है। तो अभी मैं गैस को बंद कर रही हूँ और हमारा घर पर काफ़ी आसानी से करीबन 20 मिनट तक हो गया हमारा पिज़्ज़ा सॉस रेडी। आप ये पिज़्ज़ा सॉस नॉर्मली चपाती को भी लगा कर खा सकते हो। तो ट्राई कीजिए ये पिज़्ज़ा सॉस रेसिपी, हमें बताइए आपको कैसी लगी। अच्छा खाना खाते रहिए, खुश रहिए।